सामने आ रही है, तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं आयुष। ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है फिलहाल सहारनपुर से, रामपुर मनिहारन से समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। गंगोह बैलेट पेपर में बसपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बेहट विधानसभा सीट से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी और पंजाब में पहली बार विचारधारा के आधार पे, मोदी सरकार की योजनाओं के आधार पे हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी पहुंचने की कोशिश की है, पहुंची है। धन्यवाद। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हम लोग जीतने वाले हैं और हमारी जो है सरकार बनेगी इस तरह से। वो तो निर्दलीय भी कॉन्फिडेंस दिखाता है, ऐसा होने वाला नहीं है। दीपक जी, तो चलिए चर्चा में वापस लौटते हैं। गौरव जी, आपकी बात अधूरी थी, कंप्लीट करें। जी, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं इसके लिए हम सब तो पूरी तरह से आश्वस्त रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान हर चरण में ऐसा लगता था मानो शपथ लेने जा रहे हो मुख्यमंत्री का अखिलेश जी, इस प्रकार का वातावरण निर्मित करने का प्रयास करें, और चुनाव प्रचार के दौरान ही जो अराजकता इन्होंने शुरू कर, जैसे ही चुनावी अध्यादेश लगा उस एक प्रकार का भय का वातावरण इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके समर्थकों ने बनाना समाज में शुरू कर दिया, और जिसका परिलक्षण आज चुनाव के रुझान में, मतगणना के रुझान में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो बहुत साफ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश देश जैसा ये राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, और उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका में है और देश की राजनीति को तय करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना, और वो भी एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री के रूप में, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 वर्ष में काम किया, वो भी 2 वर्ष कोरोना काल में चले गए, और उनका रिपीटेशन ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये पूरे देश की राजनीति के डिस्कोर्स को एक नया आयाम देने जा रहा है, और इससे इतर बिल्कुल चले